सब्सक्राइब करें स्मार्ट पे ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो स्क्राइब के बारे में, क्या कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है। अभी सभी को जो है कि एरर कोड का सामना करना पड़ रहा है, इस तरीके का एरर कोड जो है कि मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत यूनिक ही प्रॉब्लम लग रही है। बहुत सारे आपने यूट्यूब पर सर्च भी किया होगा या फिर आप वेब पेज पर सर्च किए होंगे, लेकिन आपको जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल पाया होगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले इंस्टॉल करके किस तरीके से हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, और जो कि नहीं ये जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो है कि नहीं इसको डबल क्लिक करके रन किया है, और यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट किया। इंस्टॉल करने के लिए मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया है। अभी देखिए ये कौन सा एरर कोड मांगेगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये देखिए कार्डिट रन टाइम जो स्क्रिप्ट है वो इन इस प्रोग्रेस में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। आइए चलिए जानते हैं किस तरीके से इसे फिक्स किया जाए। यहाँ पे जो मैं एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूँ ये है रिवो अनइंस्टॉलर। तो इसकी मदद से क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो स्क्राइब पे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए वीडियो स्क्राइब पे अगर मैंने इंस्टॉल करने के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे जो एरर होते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि अगर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल भी नहीं होगा, अगर हम इसको रिपेयर कर रहे हैं रिपेयर भी नहीं होगा, अनइंस्टॉल कर रहे हैं अनइंस्टॉल भी नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आती है कि जो आपकी जो फाइल्स हैं वो कुछ फाइलें जो कि अनइंस्टॉल हो जाती है और कुछ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अब मतलब बीच में फंस ही जाता है और आप उसको कर नहीं पाते हैं। तो सिंपल सा स्टेप बता रहा हूँ आपको, रिवो अनइंस्टॉलर जो है कि डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड के लिए मैंने जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सिंपली क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रो वर्जन ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ट्रायल ही होगा और आपको बस थोड़ी टाइम की ही ज़रूरत होती है। तो इसको आप प्रो डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ट्रायल है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप इसको इंग्लिश सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो टर्म्स कंडीशन हैं इसको आपको करने होते हैं एग्री। एग्री करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल, और यहाँ पे आपको लोकेशन पूछा जाता है। लोकेशन के लिए आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, उसको नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल से जो है कि नहीं कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि क्रिएटेड डेस्कटॉप शॉर्टकट, आप इसको अनचेक या फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो कि प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है जो रिवो इंस्टॉलर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो डेस्कटॉप में है ये रिवो इंस्टॉलर जो है कि नहीं ये आ चुका है। इसके ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको रन कराना है। वो जो प्रोसेस था, जो भी फाइल करप्ट हो गई थी, जो भी फाइल मिस हो गई थी, उसको ये कंप्लीट करेगा। अभी चलते हैं वीडियो स्क्राइब के पास, तो मैं क्लोज करता हूँ। वीडियो स्क्राइब के पास मैं चल रहा हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इंस्टॉल विथ रिवो। अब अभी रिवो को दे दीजिए आप जो है कि इंस्टॉल करने के लिए, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल इसको कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ मिल जाते हैं इस तरीके के टूल्स, और इंस्टॉल विथ रिवो इंस्टॉलर प्रो यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टॉल रिपेयर इंस्टॉल ऐसे कुछ जो है कि ऑप्शन मिल रहे थे जो कि वर्क नहीं कर रहे थे। अभी मैंने इसको किया रिवो इंस्टॉलर इंस्टॉल, मैं इसको कर रहा हूँ। वहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आपको कुछ देखने को मिल रहा है जो कि ये इसकी डायरेक्टरी ओपन हो गई है, और इसको अपने तरीके से जो कि एडजस्ट करेगा, कहाँ किस फाइल को देनी है, किस फाइल को हटाना है वो ऑटोमेटिक करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से जो आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है उसको सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल हो चुका है, डेस्कटॉप पे बन गया। इसके बाद आप जो भी स्केच बनाना है, जो भी वाइट बोर्ड बनाना है बना सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो यही कुछ था, आप उसको क्लोज कर सकते हैं जो रिवो इंस्टॉलर है। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अगर कोई जरूरत नहीं तो आप इसको सॉफ्टवेयर को सेव करके रख सकते हैं। ऊपर जो मेन्यू बना है उसको आप क्लोज कर सकते हैं, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर लगा कि आपके वर्क हैं जो कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो की वजह से, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को जो है कि प्रेस कर लीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जिससे कि वो भी इसकी जानकारी ले पाएँ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।